कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन चैन को ब्रेक करने के लिए जो लॉकडाउन पूरी कंट्री में इसका नाफिज है, वही लॉकडाउन खित्ते चिनाब में आज 18वें दिन में एंटर हुआ, जिसके तहत बिल्कुल जो है किसी को भी बाहर निकलने की कोई भी इजाज़त नहीं है घरों से बाहर, और लोग भी प्रेफर कर रहे हैं घरों से अंदर ही रहना प्रेफर कर रहे हैं। वहीं एक खुशखबरी की खबर भी ज़िला डोडा से आई, जहां पे जो यहां मेडिकल कॉलेज डोडा की इंतजामिया थी, उन्होंने 12 के करीब सैंपल जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजे थे टेस्ट करने के लिए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और अब कुल मिला के तकरीबन 28 लोगों के सैंपल ज़िला डोडा के नेगेटिव आए हैं। बहुत खुशखबरी की खबर है। वहीं ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक मरतबा फिर लोगों से गुजारिश की गई है कि अगर किसी की कोई अब्रॉड की हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो खुद वॉलंटरली सामने आए और ज़िला इंतजामिया या मेडिकल डिपार्टमेंट या पुलिस को आगाह करें। इसके अलावा यह है कि सैनिटाइज़ किया जा रहा है पूरे एरियाज़ को, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के इदारे मुहतरक हैं इस वक्त। वहीं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी की जानिब से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइव, घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने अपना जो बिहेवियर है सोशल, उसमें बदलाव लाएं ताकि कोरोना वायरस की वबा से बचा जा सके। आर्मी भी सामने आई है और आर्मी की जानिब से भी अनाउंसमेंट की जा रही है, और CRPF और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पे गरीबों को, नीडी लोगों को, डेस्टिट्यूट्स को फ्री राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वहीं कुछ NGOs भी सरगर्म अमल हैं। तो कुल मिला के जो लॉकडाउन है उसको लोग पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए ताकि इस वबा से निजात पाई जा सके। जितनी भी तारीफ म्युनिसिपल कमेटी लोगों की जाए वो कम है। शाबाश है ऐसे वॉरियर्स को जो इन सख्त हालात में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। खासकर भद्रवाह में देखा जाए घर घर जा रहे हैं, गाड़ियां जहां इनको दिखाई दे रही हैं उन गाड़ियों को भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हम इनको अपना सलाम पेश और मुबारकबाद पेश करते हैं म्युनिसिपल कमेटी के अमला को, जो मरकजी सरकार और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनकी सरबराही में अपने फराइज तनदही के साथ अंजाम दे रहे हैं।